नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, हर रोज कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सन्यासी धाम को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज सुनेंगे माता के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति है। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा हो का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप में सातवीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की चार भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोगों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण उनसे परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास मदद के लिए पहुंचे। रक्त बीज के पास वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती, वैसे ही और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। उससे परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर देवी पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया और माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के सातवें दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और उसके बाद मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत धूप, रात रानी के फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ को भोग में पान और सुपारी चढ़ाए। इस दिन माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग लगाए। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी के दीपक और कपूर से माँ की आरती करें और साथ सभी में वितरण करें। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम कालरात्रि देव्य नमः और तीसरा मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। इन मंत्रों से माँ कालरात्रि का पूजन करें। तो यह थी माँ कालरात्रि की कथा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।